नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आई रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर खंटू की एक युवती ने छेड़खानी और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सुबह शाम वह जब भी सुनील तिवारी को चाय देने के लिए जाती थी, तब वे उसे गलत नियत से छूते थे और विरोध करने पर धमकाते थे। पीड़िता ने बताया कि वह गरीब परिवार से है। उसके गांव की एक युवती ने उसे कंप्यूटर का काम दिलाने के नाम पर अरगोड़ा के कडरू स्थित सुनील तिवारी के आवास पर काम पर रखवाया था। यहाँ कंप्यूटर का काम देने के बदले घरेलू काम व खाना बनाने का काम करना पड़ा। खाना बनाने के बाद पीड़िता क्लास करने कॉलेज भी जाती थी। उसका आरोप है कि सुनील तिवारी का व्यवहार शुरू शुरू में ठीक था, लेकिन बाद में बदल गया। वह छेड़खानी करने लगे। घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन वह चॉकलेट केवल मुझे ही देते थे। पीड़िता ने बताया कि मार्च 2020 में एक दफा रात करीब 10 बजे वह गेट बंद करने गई थी, तभी सुनील ने उसे पकड़ लिया। वे शराब के नशे में थे। पीड़िता खुद को छुड़ाकर छत की ओर भागी तो पीछे पीछे सुनील तिवारी भी छत पर चले गए। वहां चिल्लाने पर भी कोई बचाने नहीं आया और फिर छत पर ही उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पैर पकड़कर उससे माफी भी मांगी कि शराब के नशे में मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने पैसे का लालच भी दिया और कहा कि उसे जितने पैसे चाहिए वह देंगे। पीड़िता ने कहा कि विरोध करने पर तिवारी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व मारपीट करते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे। पीड़िता का कहना है कि उसने भय के चलते इसकी सूचना किसी को नहीं दी। 16 अगस्त को पीड़िता ने अरगोड़ा थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि घटना सही है या नहीं, फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद अनुसंधान चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में वर्तमान में इस तरह के मामले भी सामने आते रहे हैं। इससे पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी इस तरह का मामला सामने आया था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।